क्या बकचोदी हो रही है तेरी? हाथ मान गया? मानेगा? क्या मानना? मानेगा? ओए 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 हाथ क्यों चला रहा है? ओए ओए मानेगा ना तू है? कहाँ है भाई लोग? कहाँ है सारे? गए? लेट हो गए हम? कोई नहीं है घर पे? चलो कोई नहीं। ओ भाई लोगों, हमसे वो तेते चले गए, पता नहीं कहाँ भाग गए। मैं गया तो इसके घर पर, और ये है भाई सिद्धू भाई का घर। देन गए सीधे निकलते हैं आप सीधे घर पर, और यहाँ पर कोई नहीं थी, उसकी छोटी सी बहन थी। देन भाई सूरज भाई पोपट हो गया यार, मतलब वो हमारे आगे आगे जा रहे थे और हम उनके पीछे पीछे, तो पहुँच जाते वो बंदे नहीं रोकते तो। हाँ सही बोल रहे हो, थोड़ा उन्होंने डिले करा दिया, लेट करा दिया ना, इस चक्कर में हमारे साथ ये हो गया। तो यार सूरज भाई यार गलत है ना यार, माँ मैं कुछ कहता नहीं ना, गलत है ना भाई यार? सही बात है ना सूरज भाई? यहाँ कितना अच्छा लग रहा है ना। हाँ बिल्कुल भाई, गांव का एरिया है ना, इसलिए अच्छा भी लगता है यहाँ पर, मस्त बिल्कुल मस्त वाला सीन होता है। तो रामनगर भाई शॉपिंग कर रही है भाई को, तो भाई मैं सोचा मैं भी चलूंगा। देन गाइस अभी यहाँ से निकल रहे हैं, और भाई मैं पता क्या जा रहा हूँ भाई, आप वीडियोस पे ना जल्दी से 10K सब्सक्राइबर कर दो, आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, सीरियसली बता रहा हूँ। और ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है ना जाने क्यों। तो गाइस आप सब बताओ यार कमेंट सेक्शन में, आपको कैसी मोटो ब्लॉगिंग पसंद है भाई? मैं नहीं बताऊंगा, लॉन्ग टूर पे जाना है या शॉर्ट्स वाला, ऐसे वाली चीज़ें भाई। अभी इतने बजट नहीं है कि हम लोग बाहर जा सकें और लंबा टूर कर सकें, बट जितना भी होता है हम लोग कोशिश करते हैं कि दिखाएं। और भाई एक चीज़ और बता रहा हूँ मैं, ठीक है, जिसको लगता है कि हाँ मोटो ब्लॉगिंग बहुत ज़्यादा आसान है, तो भाई उसके लिए सबसे बड़ी गलत फहमी है भाई, मोटो ब्लॉगिंग आसान नहीं है, बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है भाई, खुद से बातें करनी पड़ती है, खुद से क्या क्या बोलना पड़ता है भाई, वो बंदा खुद ही जानता है उसकी हालत क्या है और क्या नहीं है, सीरियसली बता रहा हूँ भाई। पास नहीं मानोगे कि भाई बंदा मोटो ब्लॉगिंग करता है ना, तो खुद से बातें करता है, और पता ही उसे उसे खुद नहीं पता होता वो अपने आप से क्या बातें कर रहा है क्या नहीं बातें कर रहा। कहते हैं ना खुद से बड़बड़ाना मुंह में बातें करना, वही सीन है कि गाइस पता है आप लोग हो नहीं, इनविजिबल हो, पता है आपके लिए मैं इतनी सारी बातें करता हूँ आपसे, बहुत सारी देन करनी पड़ती है, क्योंकि भाई मोटो ब्लॉगिंग करनी है तो भाई करना ही पड़ेगा। देन इतनी वो तो है नहीं क्या भाई कि घर में बैठ के बातें कर लो यार, ऐसा सीन नहीं है ना अपना यार, करने की कोशिश तो करते हैं कि भाई हो जाए, बट ऐसा होता नहीं है भाई। आप लोग देख रहे हो भाई खेतों में हरियाली कितनी मस्त हो रही है भाई, कुछ टाइम बाद भाई गेहूं भी पकने वाले हैं। देन और हाँ भाई आम का सीज़न आ चुका है भाई, अगर आप लोग आम भी पकाना चाहो, आम खाना चाहते हो भाई, कॉन्टेक्ट कर लेना मेरे को भाई, मैं सबके वहाँ डिलीवर कर दूंगा, लेकिन पैसे पे कर देना, गूगल ऑनलाइन पे कर देना, ठीक है? मैं गूगल का स्कैनर भेज दूंगा भाई, ना UPI ID भेज दूंगा भाई, जल्दी जाके भाई सब लोग पैसा भेज दो भाई, पैसा। अबे ये अबे यार डंडा उठ गया जरा, ओ भाई बात सुन ले, ठीक है भाई, आ गया, तुझे मना करा था ना आने के लिए, मना करा था ना अभी आने के लिए, तमीज से बोल, ठीक है? तू तुझे मैंने मना करा था, नहीं करा था अभी आने के लिए यहां भाई, मना किया तो मैं यहाँ से आऊंगा जाऊंगा नहीं, रोड से जाता है, दूसरी रोड से क्यों जाऊँ मैं, दूसरी रोड से? अबे पागल है क्या? मैंने मना करा था तुझे एक बार आने के लिए यहाँ पे, तू फिर क्यों आया भाई? देख बात ऐसी है ना, तू मेरी बात, मैं घूमता नहीं हूँ, ये घूमना नहीं हो रहा तेरा भाई, वहाँ से काम करके आऊंगा तो आऊंगा नहीं भाई, किसी के वहाँ जाऊंगा तो वापस नहीं आऊंगा, एक बात बता, किसी के वहाँ जाऊंगा फिर वापस नहीं आऊंगा है? सूरज भाई बताओ किसी के वहाँ जाएंगे तो आएगा, ये हमारा एरिया, तुझे कह दिया तो भाई, एरिया कुत्तों का होता है, ठीक है? तमीज से रह, ठीक है? तमीज से बोल ले, तू तू भी तुम भी तमीज से बोलो, ठीक है? बताऊंगा भाई, देख ओए डंडा मत कर उल्टे काम, ओए ठीक है, ये डंडाबाजी मत दिखा, ठीक है? तुझसे ज्यादा झेले इससे, जानता है तू मुझे कौन हूँ? कुत्ता है तू, कुत्ता भाई, नहीं जानता कौन है तू, नवाब है तू, नवाब है, हाथ अड़ा के बात कर, ठीक है? हाथ अड़ा के बात कर, ओए 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 सुन ओए ओए भाई, देख बैठ के बात हो सकती है, ओए मत कर सुन, ओए देख एक मिनट, एक मिनट मेरी बात, मेरी बात तो सुन, ओए मेरी बात तो सुन सुन, अबे मेरी बात सुन ले एक बार, मेरी बात सुन ले, मत कर लड़ाई, सुन भाई इधर आओ, सुन एक मिनट इधर, एक मिनट, एक मिनट सुन, मेरी बात सुन, मेरी बात सुन, डंडा सिंह छीन छीन, डंडा सिंह चले भाई भागो यार तुम, अरे एक मिनट मैं क्या कह रहा हूं, इनसे ना ढंग से बात कर ले भाई, इनका रोज का हो जाएगा। सुन भाई मेरी बात, देख भाई मैं देख सुन मेरी बात, ना हम यहाँ किसी लड़की को छेड़ने आते ना किसी को कुछ कर रहे आते, ठीक है? बात सीधी है भाई, तुझे विश्वास, मना करा था अभी आने के लिए, तू आया क्यों भाई? मैं जाऊँगा नहीं, घर नहीं जाऊँगा, वापस नहीं जाऊँगा क्या भाई? वहीं रहूँगा क्या दूसरे के घर पे? तेरे अंदर दिमाग है या नहीं है? दूसरी रोड से आता, चाहे आता जहाँ से मर्जी आता, पर हमारे इधर से क्यों आया तू भाई? सॉरी गलती हो गई, ठीक है? अब तू जाने देगा? दोबारा मत आजिए, ठीक है? जा और तू ना ऐसे उल्टे काम मत कर भाई, किसी को रोक रहा है, क्या पता किसी गलती ना हो फिर भी तू मैं दोबारा मत आजिए, किसी गलती हो ना हो यहाँ पे नहीं आना चाहिए कोई। चल ठीक है देखेंगे, तुझसे कह दिया मैंने, दोबारा तू ही मत मिल जाइए बेटे मेरे को, पहले बता रहा हूँ। बोल लिया तो फालतू, फिर बोल लिया फालतू। अबे यार चलो दिलीप भाई चलो, देख मैं बोल रहा हूँ प्यार से, बच्चों दिन आकर, ठीक है? हो गया भाई, जाओ
अरे चलो यार हद होती है, देख लिया हिसाब लगा लिए दोबारा यहाँ पे अगर कहीं मिल गया तो। भाई यार हद थोड़ा हद होती है किसी चीज की। देख अबे सूरज भाई कसम से बता रहा हूँ, इन लोगों ने ना बहुत ज्यादा मूड खराब कर रखा है भाई, विश्वास नहीं यार मुझे क्या पता कौन लोग है भाई, ऐसे कर रहे हैं ना जैसे कि हम यहाँ लोंडिया वैसे छेड़ने आ रहे हैं भाई, हम तुम्हें पता ही है। डंडा भी लिया रहे थे यार। ये देखो बकरियाँ। अबे सूरज भाई सच बताओ ना, ये वो लोग है ना जो भैंसो खुद हरामी होते ना तो दूसरों को हरामी समझते हैं भाई, सीरियसली बता रहा हूँ मैं भाई, मुझे पता है ना भाई, मुझे काम है भाई नूर भाई के पास, तो सीधा भाई नूर भाई के पास चलते हैं भाई, बड़ा मूड खराब हो गया भाई कसम से, तोबा तोबा। सूरज भाई, सूरज भाई आप पकड़ के बैठे ना, लीन मारूंगा आप मैं। अबे बहुत झुका दी। अरे सूरज भाई तुम यार पानी में चलाने में कितना मजा आएगा। हाँ पानी, हाँ सही कह रहे हो, हाँ हाँ ठीक कह रहे हो भाई, पानी में चलाने में मजा आएगा सूरज भाई, पूरे टायर भी वो खत्म हो जाएंगे पता है, खत्म क्या बिल्कुल, वहाँ पानी वानी में रहेंगे तो पता ही है क्या हो जाता है हाल। सोचो यार मजा ही आ जाएगा कुछ अलग ही लेवल। ओहो मेरे भाई को मजा आ जाएगा फुल अलग ही लेवल। वाली बाइक नहीं होती, कौन सी होते हैं फ्रंट वाली? हाँ वो वाली मस्त लगती है यार, आराम से चलना है। ओके 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 भाई पता नहीं क्या है यार, वैसे हमें ही परेशान करते लोग हैं। नहीं नहीं सूरज भाई एक बात बताऊँ, हमारी लाइफ है ना, हमारी लाइफ में ना ऐसे एल लिखे पड़े हैं ना भाई, मैं हर किसी को अगर बताना भी चाहूँ ना तो उसे विश्वास नहीं होगा कि हाँ भाई मेरी लाइफ में एल लगे पड़े हैं, कोई मानेगा हमारी लाइफ में एल लगे पड़े हैं? कोई मानेगा ही नहीं भाई, कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई बंदा ये कहे कि हमारी ज़िंदगी में एल लगे पड़े हैं भाई, क्यों नहीं मानेगा? क्यों भाई हमारी ज़िंदगी झंड हो रखी है फिर भी लोगों को लगता है कि हाँ भाई ये तो मज़े में है मेरी जान। भाई लोगों को कैसे समझाएं कि भाई हमारी हाल क्या है, कैसे समझाऊं मैं? तो गाइस मैंने कहा थोड़ा फेस कैम भी कर लेते हैं मोटो ब्लॉगिंग पे। वैसे मैं सख्त लौंडा हूँ बेटा, मैं वैसे पिघल गया भाई। हाँ सीरियसली बात है, अमरूद खाने में मजा ही कुछ और है यार, अमरूद खाने में मजा ही कुछ और है, ये बात तो आपने सही कही। तो गाइस आ चुका है फाइनली पिरुमोदारा,
देहाती शक्ल देहाती अकल पास।